तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी ने दिए भैया खुला चैलेंज बापू सुप्रियो के। वो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे गलत साबित कर देते हैं ये चार गानों के बारे में तो मैं राजनीतिक और संगीत दोनों छोड़ दूंगा। जी हाँ, अभी अभी एक खबर निकल कर आ रही है इंस्टाग्राम पे, पावर स्टार पवन सिंह जी ट्विटर पर ट्वीट करके लिखते हैं कि आप बोल रहे हैं कि ये बंगाल के खिलाफ गलत गाना गाए हैं। तो पवन सिंह जी भैया बहुत दिन से चुप थे, आज वो इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भैया चैलेंज दिए हैं कि अगर आप ये गाने को अगर गलत साबित कर देते हैं तो मैं राजनीतिक और संगीत दोनों चीज छोड़ दूंगा। चलिए आप लोग को बताते हैं भैया कि आखिर पवन सिंह जी क्या लिखा है, और लिखते लिखते भैया एक और बड़ी आपको खबर दूंगा कि पवन सिंह जी चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है। चलिए बने रहिए वीडियो में। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि पवन सिंह जी का इंस्टाग्राम में खोल लिया हूं, यहां पर लिखे हैं कि नहीं बोलना चाहता था फिर भी बोल रहे हैं पवन सिंह जी कि आप सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि 40 करोड़ देशवासियों को, कलाकारों को दिल का ठेस पहुंचा है बापू सुप्रियो जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बापू सुप्रियो जी वही हैं जो बंगाल के भैया सांसद रह चुके हैं बीजेपी से, और वही बापू सुप्रियो है जो पवन सिंह जी को बुलाए थे अपने चुनाव प्रचार में, और पवन सिंह जी गए थे इनका चुनाव जिताए थे और पवन सिंह को ये विरोध कर रहे हैं। बताइए ये सब कहां तक सही है। बापू सुप्रियो जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, पवन सिंह जी ये चार गाने के बारे में चैलेंज किए हैं कि अगर आप ये चारों गाने को अगर आप गलत साबित कर देते हैं तो मैं भैया कलाकारी गीत संगीत सब चीज छोड़ दूंगा और चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक भी छोड़ दूंगा। जी हाँ, चलिए बताते हैं भैया ये चार गाना कौन कौन है। पवन सिंह जी का बंगाल वाला माल, देखिए बंगाल वाला माल पवन सिंह जी ने को गाने में नहीं गाए हैं। पता नहीं है कौन कौन लोग होते हैं जो थंबनेल बना देते हैं उल्टा पुल्टा गाना पर व्यू लाने के लिए। ये देखिए ये हर कोई करता है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि भैया देखिए जब गाना डाउन हो जाती है व्यूज पे नहीं आता है तो लोग थोड़ा सा थंबनेल उठपटांग बनाते हैं ताकि लगे लोगों को कि नया गाना है उसको सुने। लेकिन बापू सुप्रियो जी ये चारों गानों के बारे में बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा आपने गाना गाया है इसके इसके विरोध में आपको यहां से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि आप बंगाल को महिलाओं को गलत साबित करते हैं। चलिए दूसरे गाने के बारे में आपको बातचीत करते हैं, सौतीन बंगलिये से। देखिए ये भी टाइटल गलत है, उसमें अलग कुछ था। आप जाइएगा यूट्यूब सर्च मारिएगा पवन सिंह के बंगाल के गाने के बारे में तो आपको चारों पोस्टर, चार नहीं शायद तीन गाना पवन सिंह जी बंगाल के ऊपर गाए हैं, लेकिन ये चारों पोस्टर है वो गलत है, फेक है। पवन सिंह जी इसीलिए चैलेंज किए हैं कि अगर आप मैं गलत हूं तो मुझे साबित करके दिखाइए बापू सुप्रियो जी। कैसे है, कैसे लोग इंसान है यार, जिसको पवन सिंह जी खुद मदद करते हैं, उनका चुनाव प्रचार में जाते हैं वही लोग विरोध करते हैं, यहाँ ये सब कहां तक सही है। बिल्कुल ये सब गलत है। बापू सुप्रियो जी आपको पवन सिंह जी को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि यही पवन सिंह जी हैं जो आपको चुनाव प्रचार में गए थे और आपको बीजेपी से भैया सांसद बनाया गया था, आप भूल जाते हैं आप लोग, ये सब हरगिज गलत है। और मैं बता दूं दोस्तों ये चारों गाना जो है ये बिल्कुल फेक पोस्टर है और पवन सिंह जी इसके बारे में सही साबित करेंगे। अगर आप में दम है तो आप इनको गलत ठहरा करके दिखाइए। और हाँ मैं बता दूं कि एक और भी बहुत बड़ी खबर, पवन सिंह पावर स्टार भैया बंगाल से ही शायद चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं तो वहां पे सनसनी कुछ और मची हुई है। फिलहाल अभी अपडेट नहीं बताएंगे ग्रुप के बारे में, लेकिन जहां तक पता चल रहा है कि पवन सिंह जी भैया बंगाल से चुनाव लड़ेंगे और वहां पे टिकट वापस किए थे और टिकट लेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से जीतेंगे और हम लोग उनके साथ हैं। आप लोग कितने उनके साथ हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो भैया फॉलो जरूर करिएगा। चलिए लव यू ऑल, बाय बाय।